क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरीके से आप जियो टीवी को अमेजन फायर स्टिक पे चला सकते हैं, और अपने फायर स्टिक को आप अगर आपने बड़े टेलीविजन पे अपने कनेक्ट कर दिया तो उसका व्यूइंग एक्सपीरियंस क्या होगा, चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूफोरिया इंडिया में। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से आप जियो टीवी को अपने अमेजन फायर स्टिक में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे अपने बड़े से टीवी पे कैसे देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। चलिए आज बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। तो एक्चुअली अगर आप देखें यहाँ पे बहुत लंबी सारी स्टेप्स है जो आपको निभानी पड़ेगी इस एप्लीकेशन में। अगर आपको अपना यूज़र नेम यानी कि फ़ोन नंबर और पासवर्ड हमेशा के लिए स्टोर करके रखना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने ये सारा ट्यूटोरियल और ये लाइन बाय लाइन आपने इसको फॉलो किया तो बहुत आसानी से आप भी अपने एप्लीकेशन जियो टीवी ऐप में ये अपने फ़ोन नंबर और पासवर्ड को स्टोर कर पाएंगे। तो मैं आपको इसकी शुरुआत बता दूं कि सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो है इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है हमें इस एप्लीकेशन में। तो आपको सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन जियो टीवी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बनाया गया था, एंड्रॉयड टीवीज के लिए, नॉर्मली आपको ये अमेजोन या फायर या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पे आपको ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस मिल जाएंगे, वहाँ उन जगहों के लिए ऐसे जियो टीवी ऐप को फॉर एंड्रॉयड टीवी के लिए लॉन्च किया गया था 2017 में, ताकि उसे लोग डाउनलोड कर सकें और अपने जियो अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस पे चला पाएँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है शायद रुक गया है। 2017 दिसंबर में लास्ट टाइम ये देखने को मिला था, उसके बाद उसका कोई अपडेट हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो ये पहला स्टेप आज मैं आपको वीडियो पे दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ पार्ट वन ऑफ द वीडियो। आगे की जो ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैं अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा आपको अपने चैनल पे इसके वीडियोस डाउनलोड अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आज जो हम काम करने वाले हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जो काम ये करना है कि हमें इतने सारे एप्लीकेशंस जो 7 आपको यहाँ दिख रहे हैं ये डाउनलोड करने होंगे। उसके साथ साथ आपको ये जियो टीवी का, उसके साथ साथ आपको जियो टीवी फॉर एंड्रॉयड टीवी जो आपको एपीके मिरर के साइट से मिलेगा उसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैसे, जब आप ये सारी फाइलें आप डाउनलोड करते हैं epktool.bat या जो भी है smiley.jar, backsmiley.jar, sign.jar, इनके नाम कुछ और होंगे, पर आपको उससे सारी चीज़ों को इस तरीके से रीनेम करना है। इसी ये पहले 5 जो हैं आपको इसी तरीके से सबको रीनेम करना है और उन सबको डालना है एक कॉमन फोल्डर है। ये आप देखिए इस तरीके के जितने भी फाइल्स हैं इनके नाम हो सकते हैं, जब आप डाउनलोड करें तो कुछ अलग से होंगे शायद इसके भी, तो आपको सबको बदल के ये नाम डालना है एग्जैक्टली और उन्हें एक फोल्डर बनाना है आपको सी ड्राइव के अंदर में। ज़रा देखिए ये सी ड्राइव के अंदर में हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है एपीके टूल, और इसके अंदर जियो टीवी जो आप डाउनलोड करेंगे एपीके मिरर से वो भी यहाँ पे डाल देना है आपको। आशा है आपको ये समझ आ रहा है। उसके बाद जब आप ये कर लें तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जावा का जो सॉफ्टवेयर है JDK 8, आपको मैं सारे लिंक्स जो डाउनलोड करने के लिए हैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स के वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ जाना है और ये डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसी तरीके से JDK को भी इंस्टॉल करना है आपको। ये सब चीज़ों को आपको कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन JDK जो है वो एप्लीकेशन उसे आपको
इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको उनके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को बदलने होंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। बेसिकली आपको प्रॉपर इसके ओपन फोल्डर लोकेशन में जाना है, ये आपका यहाँ आ गया। यहाँ आप जाएं, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू डालना है और यहाँ से आप कुछ भी नाम एक दे दें उसे, और उसके बाद ये पाथ, क्योंकि वो ओरिजिनल पाथ होगा जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ होगा, तो आपको ये पाथ वहाँ पे कॉपी कर देनी है वेरिएबल वैल्यू के पास एंड ओके कर देना है। मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये मैंने कर रखा है पहले से। ये जब हो जाता है आपका, तो आपको सीधा फिर क्या करना है, विंडोज 10 में आप यहाँ जाएं और सर्च करें कमांड प्रॉम्प्ट, या कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका जो लोकेशन होना चाहिए आपको यहाँ आना है, यानी कि ये होना चाहिए आपका लोकेशन कमांड प्रॉम्प्ट का। इसे आप मिनिमाइज कर लें, तो यहाँ पे आप आ जाएं। उसके बाद आप देखें तो ये आ जाएगा और यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये लोकेशन आपका सी के अंदर में एपीके टूल है, राइट। तो आप यहाँ से सीडी डॉट डॉट, ये बेसिक कमांड्स हैं सीडी के अंदर एपीके टूल। तो आप जैसे ही आप ये लिखते हैं और हिट एंटर करते हैं तो आप सीधे इस फोल्डर में पहुंच जाते हैं। अब आपका मशीन जो है वो रेडी है सारे कमांड्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहले आपको तो ये याद रखें, आपको ये भी डाउनलोड करना है, उसे सेम एपीके टूल में ही डालनी है। और कहाँ से डालनी है ये देखिए, ये है उसका लिंक जहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप रन करें तो आप ये लिखें एपीके टूल, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली वही, क्योंकि तो ये देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे आएंगी जो पहले आ चुकी हैं। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जियो टी वी एपीके के अंदर घुसना है। दैट्स वाई आप देखोगे यहाँ पे डॉट एपीके, तो आप इसके अंदर आ जाते हैं। अब उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जावा लिखना है। आप जावा को एक्चुअली कॉल कर रहे हैं, जब जावा आ गया ऑल सेट ये हो गया, फिर आपको क्या करना है उसके बाद आपको ये कमांड लिखनी है जैसे ही आप ये लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी है इसलिए वहां पे ये बोल रहे हैं माइनस एफ को यूज करने के लिए। इस फाइल को आपको खोलना है, खोलने के बाद अब यहां जाएं। यहाँ पे आप अपना जो भी फोन नंबर है उसे दे दें और उसके बाद 10 डिजिट का जो आपका फोन नंबर होगा आप वो दे दें। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड देनी है जो भी है, और इसे जाके सेव कर लेना। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है मेरे नाम से, मैं इसे सेव नहीं करूँगा। ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये काम आपका ख़त्म हो गया, यही सबसे बड़ी काम थी आपकी सेव हो गई है। अब आपको ये करना है कि आपको इसका जो है ना इसका इसको साइन करना है, तो साइन के लिए हम कॉल करेंगे जैसे आप साइन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट इसके अंदर आपका ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से और एक और ये भी एक लास्ट कमांड, आपको जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिर्फ उसी तरीके से आपको ये करना है और ओके कर देना है। ये आपका काम हो गया,
आपका ये एप्लीकेशन जो है अब आप इसे फायर स्टिक में किसी भी तरीके से डाल सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। या तो आप अपना फायर स्टिक निकाल लें बाहर टीवी से और उसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट करें और उसके बाद इस फाइल को आप ट्रांसफ़र कर दें उसके अंदर, या फिर मैं दूसरे टेक्निक्स में आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप जब ये ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आप आराम से इस एप्लीकेशन को अपने फायर स्टिक में, फायर टीवी स्टिक में बहुत आराम से चला पाएंगे। लेकिन एक ही बात होगी कि आप सीधा उसे प्लेस, आपका जो होम पेज है या ऐप्स का जो वहाँ पे मेन्यू है वहाँ पे जाके जियो टीवी को ना खोजें, क्योंकि आपको वहाँ पे वो एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, एप्लीकेशंस में जाना है, एप्लीकेशन के बाद मैनेज्ड एप्लीकेशंस में जाना है और वहाँ से जियो टीवी ऐप को लॉन्च करना है, तब जाके ही आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।